हम 1 मिनट तक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरी वॉइस का ये बताइएगा, आज सर मोहम्मद अली ने प्रेजेंट करना है क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, आपके पास चेक कीजिए कि आपके पास स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स हैं, अगर नहीं है तो फिर बताइए। यस मैम, मेरे पास स्क्रीन शेयरिंग के राइट्स हैं। मैं ठीक है, स्क्रीन कर आप भी देखती जी स्टार्ट करके प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो दोनों क्वेश्चन मेंशन हुए हैं वो दोनों आपने ही प्रेजेंट करने हैं। ठीक हूँ। मैंने तो एक क्वेश्चन कलेक्ट करता है, दूसरा कौन सा है? लिंक्ड लिस्ट साइकिल 2, ये भी किसी ने मेंशन किया हुआ है। साइकिल टू ये तो हो चुका है, मेरे नहीं, उसका पार्ट ख्याल ये पर भी है ना, लिंक्ड लिस्ट साइकिल 2। मैंने लिंक में साइकिल प्रेजेंट किया था, वो 141%, ये 142 है। ये भी किसी ने मेंशन किया है लेकिन नेम नहीं लिखा। काइंडली नेम भी लिखा करें। जब एक पर्सन ने नेम लिख दिया तो आपने कोमा डाल के सेकंड पे लिखना होता है। इट्स मीन कि जब वो पर्सन प्रेजेंट कर लेगा तो आप प्रेजेंट करेंगे। और दूसरी चीज़ ये मैंने आगे भी बताई थी, देखें जब आप लॉन्ग लिंक डालते हैं तो ये आगे नेक्स्ट कॉलम तक भी जा रहा होता है। तो आपने क्वेश्चन का नेम लिखना होता है, जो लीड कोड को जब ओपन करो तो वहां पे ना क्वेश्चन का नेम होता है, वो आपने कॉपी करना होता है उसके नंबर के साथ। यहाँ पे पेस्ट करना होता है और उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करके कंट्रोल के अगर आप प्रेस करें तो वहाँ ऑप्शन आता है, तो वहां पे आप इसका लिंक दे दिया करें क्वेश्चन का, तो ये लिंक बन जाता है ऑटोमेटिकली। कंट्रोल ठीक है, के। अच्छा ये मैं सेट कर दूंगी, आप सर स्टार्ट करें प्रेजेंट करना। ओके मैम, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि अगर सेकंड पर्सन, और काइंडली चैट में मेंशन कर दीजिए कि सेकंड पर्सन कौन है जिन्होंने लिंक लिस्ट साइकिल 2 क्वेश्चन प्रेजेंट करना है, वो प्रेजेंटर भी अपना नेम मेंशन कर दो। और सर आप स्टार्ट करें। आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट गिवन है, और आप सब लिंक लिस्ट के डेटा स्ट्रक्चर से फेमिलियर होंगे कि हमारे पास जस्ट उसका हेड नोड गिवन होता, और अगले जो जितने भी नोड्स हैं, जो भी डेटा एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास इस पॉइंटर के साथ बड़े होते हैं। तो हमारे पास आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमारे पास एक लिंक्ड लिस्ट गिवन है जिसके अंदर ऐसे डेटा मेंबर्स पड़े हैं, लेट्स से 1, 2, 3, 4 एंड 5, और हमने जो टास्क कंप्लीट करना है वो ये करना है कि हमने इसको रिवर्स कर देना है, यानी कि जो हमारा इसका लास्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले आ जाए, और देन उसके बाद उससे नेक्स्ट एलिमेंट, और इसी तरह करते करते कंप्लीट लिस्ट हमने रिवर्स करनी है। तो एनीवन आप में से जिसको आइडिया हो कि हमने कैसे करना है। मेरी आवाज क्लियर है? जी सर, आपकी आवाज़ क्लियर है, तो मैं इस चीज़ में थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। बिल्कुल समझ आ गया। तो हमने सिर्फ ये करना है कि ये हमारे सिंगल लिंक लिस्ट है, तो हमारे पास एक ही पॉइंटर होता है। हमने क्या करना है कि लाइक अभी शुरू के अंदर अगर हम बात करें, तो 1 नल को पॉइंट करने लग पड़ेगा, 2 1 को करने लग पड़ेगा, 3 2 करने लग पड़ेगा, 4 3 को करने लग पड़ेगा, 5 4 को करने लग पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही सर, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल यही अप्रोच है हमारी आज की। तो एनीवन, अगर किसी को अभी तक क्वेश्चन स्टेटमेंट में या सॉल्यूशन में कोई इश्यू हो तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एनीवन, हम फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब हम थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं, और ये रेस किस तरह से होगा।
तरिये रे। हाँ ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे अब क्रॉस करते हैं। हमारे पास ये एक लिंक्ड लिस्ट गिवन है, टू थ्री फोर फाइव, हमने इसको रिवर्स करना है, और इसका रिवर्स करेंगे तो 5 4 को करना होगा, 0.43 को करना होगा, 0.32 को करना होगा, 2 1 करना होगा। अगर हम इसकी अप्रोच की बात करें तो ये है हमारा हेड नोड, जिसको हम कह सकते हैं। अभी जिस तरह एक सर ने बात की कि 1 जो है वो नल को पॉइंट कर रहा होगा, और 1 ने नल को पॉइंट करना है, तो ये कनेक्शन यहां से खत्म हो जाएगा। तो मैं रेज भी कर देता हूँ, ने हमारा नल को पॉइंट करना, तो ये हुआ हमारा करंट नोड, ये हुआ हमारा जो कि नल है अभी, ये हुआ हमारा प्रीवियस नोड, और ये हुआ हमारा नेक्स्ट नोड। तो हमने एक आइटरेटिव अप्रोच के थ्रू इस करंट नोड को पहले प्रीवियस नोड पे असाइन करना, और इस सर नेक्स्ट नोड पहले हम सर आई थिंक पहले हम नेक्स्ट नोड को नेक्स्ट नेक्स्ट वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे, करंट डॉट नेक्स्ट को। उसकी वजह ये है कि जी सर करंट का जब कनेक्शन टूटेगा वो फिर हमारे पास ये जो लाइक अभी 1 को आपने नल पे किया है, तो जैसे ही 1 नल को करने लग पड़ेगा तो 2 के पास जाने तक हमारे लिए कोई रास्ता नहीं होगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो हम पहले ये करेंगे कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू ये नेक्स्ट का वेरिएबल जो आपने बनाया है, या इसको आप फ्रंट कह लें या प्रीवियस कह लें या सॉरी फ्रंट कह लें या नेक्स्ट कह लें। पहले तो हम करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, फिर और जो हमारा करंट होगा वो हमारा प्रीवियस को करेगा, प्रीवियस शुरू के अंदर एक नल होगा, ऐसा ही है ना। जी सर, आपने बिल्कुल सही स्टेप बताया, और मैं आपके ही बताए हुए स्टेप्स अब मैं यहाँ पे नोट पैड पर लिखने लगाऊँ, ताकि हम यहाँ से स्टेप्स और फिर इस एग्जाम्पल पे मैप कर लें, ताकि समझने में सबको आसानी हो। ठीक है सर, स्टार्ट हम करते हैं। तो हमारा जी जो प्रीवियस नोड है, और एक हमारे पास करंट है, और एक हमारे पास नेक्स्ट है। तो प्रीवियस को भी हमने कहा नल, और करंट को हम कह देते हैं हेड, और नेक्स्ट को भी हम कह देते हैं बी नल, या नल कह देते नेक्स्ट, हाँ या आप कह लें कि हेड डॉट नेक्स्ट कह लें आप, चलें एक वो सर। हम जब अंदर इलस्ट्रेशन, जाएंगे तब हम लूप लूप में कर लेंगे। हाँ वो लूप के अंदर भी हो जाएगा, लेकिन अभी भी फिर भी अगर हम एक इलस्ट्रेशन बनाना चाहें तो ये तरीके से होगा। ऐसे कर हाँ वैसे के लिए अभी ये इलस्ट्रेशन है। अभी यहां तक सबको क्लियर है कि प्रीवियस नोड क्या है, करंट नोड क्या है, और नेक्स्ट नोड क्या है? ओके दैट्स ग्रेट। पार्टिसिपेंट, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप सर को बताइए, सर आपको क्लियर करवा देंगे, और अगर समझ आ रही है तो तब भी एक्नॉलेज किया करें। मैम नेक्स्ट, अब हम मूव करते हैं कि अब हमने ये प्रोसेस आइटरेटिवली करना है, तो हम ये तब तक करेंगे जब तक हमारा करंट नोड है, यानी कि करंट नोड, ये हमने करंट नोड अभी इसको कहा, ये हमारा करंट नोड है, तो हमने ये इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है, इसके लिए भी करना है, और एंड तक इसके लिए भी करना है, यानी कि जब तक हमारा करंट नोड में कोई वैल्यू है वो नल नहीं हुआ, हमने ये प्रोसेस रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना। अब फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हमने, बिकॉज जो ये वाला बीच में ये वाला पॉइंटर था, इस पॉइंटर को हमने ब्रेक करना है, तो जरूरी है कि पहले हम इस नोड को सेव कर लें। अगर ये नोड अभी सेव ना हुआ और हमारा ये पॉइंटर खत्म हो गया, तो हम नेक्स्ट नोड पे हमारे पास कोई एसेस नहीं होगी। तो पहला हमने स्टेप ये करना है कि नेक्स्ट नोड को हमने सेव करना है, जो कि करंट के
नेक्स्ट में पढ़ा हुआ है, राइट। ये मैं यहाँ पे आगे कमेंट्स भी ऐड कर देता हूँ, स्टोरिंग नेक्स्ट नो, इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं ताकि हमारे कमेंट्स ठीक से ऐड हो जाए। और अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एनीवन एल्स? करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस। सर करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू इक्वल्स टू प्रीवियस। प्रीवियस। अच्छा, अब ये हमारा जो करंट था वो पॉइंट करने लग पड़ा है प्रीवियस को। प्रीवियस इस सूरत के अंदर अभी था हमारे पास नल, तो मीन की नल को पॉइंट करने लग पड़ा है। अब हमने एक तो करंट को इंक्रीमेंट करना है। अभी तक हम सर सर जी जस्ट बन रहा, यानी कि अभी तक हमने किया ये है कि मैं बल्कि इसको ऐसे कर लेता हूँ। अभी तक हमने किया ये है कि लेट से आप सपोज करें हमारे पास ये एक एलिमेंट था और ये हमारे पास दूसरा एलिमेंट था, ये हमारे पास पहले ऐसे पॉइंट कर रहे थे। अभी तक जितना हमने कोड लिखा है उसके मुताबिक हमने कहा है कि जी नेक्स्ट का जो ये वाला नोड है इसको हमने कह दिया कि जी ये नेक्स्ट है इसको, और इस पॉइंटर को हमने यहां से खत्म करके रिमूव करके इसको हमने एक नल पे पॉइंट करवा दिया। अभी तक ये काम हुआ। ठीक है सर, जी सर, अब आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, ये तो हमने कर लिया। अब हमें आगे चलना होगा, तो हमें एक तो करंट को आगे करना होगा। करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। सर करंट इक्वल टू नेक्स्ट, और आखिरी ऐसे ही काम बिल्कुल नेक्स्ट होगा, बिल्कुल। और अब प्रीवियस को भी एक कदम आगे करना होगा। सर जो पहले प्रीवियस आएगा, प्रीवियस इक्वल टू करंट, यानी कि ये पहले करंट का एलिमेंट था ये वाला, हमने प्रीवियस को पहले ये असाइन करके फिर करंट को यहां से यहां मूव करवाना। सर ओके क्लियर है सर? जी, बिल्कुल। हमने पहले पहले हमारा प्रीवियस नल के ऊपर था, हमने उसको नल से उठा के करंट के ऊपर रख दिया प्रीवियस को, और जो हमारा करंट था उसको हमने एक कदम आगे कर दिया। और अभी एक और एक चीज और आती है। अभी हमारा नेक्स्ट वाला तो क्या नेक्स्ट नेक्स्ट वाले को हमने सच वो तो हमने कर लिया था ना, शुरू में ही हो गया था हमारा। ये तो सर हमने स्टार्ट में पहले सबसे पहला स्टेप किया था, और उसके बाद लास्ट चीज हमारा कि ये सारा प्रोसेस आइट्रेशन खत्म तब होगी जब हमारा ये जो करंट एलिमेंट है, यानी कि यहाँ से ये पहले जा रहा था 3 पे, 6 से जा रहा था 4 पे, 4 से जा रहा था ये 5 पे, 5 के बाद इधर पड़ा था। जब हमारा ये वाला एलिमेंट नल हो जाएगा तब हमने इस आइटरेशन को स्टॉप कर देना है। तो ये कोड वाइल करंट इज इक्वल टू नल, ये हमारा कोड यही बता रहा है कि इस आइटरेशन को तब स्टॉप करो जब हमारा करंट एलिमेंट जो है, ये हमने करंट को यही असाइन किया ना कि करंट डॉट नेक्स्ट पे चला जाए, तो हमारा ये सारा आइटरेशन प्रोसेस तब स्टॉप होगा जब हमारा करंट एलिमेंट नल हो जाएगा। तो अगर हमारा करंट एलिमेंट नल हो जाएगा तो हमने फिर रिटर्न क्या करवाना है? बस सिंपल, हमने हमारा जो करंट ही हमारा सुखद एंड में चला जाएगा और वो करंट ही रिटर्न कर देंगे। सर करंट रिटर्न करेंगे तो करंट तो नल है, करंट जी हाँ देखे सर, ना ये आइट्रेशन। जी, सॉरी मैम आपकी आवाज कट गई थी, जरा दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैं कह रही थी कि प्रीवियस रिटर्न होगा ना। प्रीवियस रिटर्न होगा।
और ये हमारा कोड कंप्लीट है। कोड को आप इसके अंदर नन होगा। हाँ जी, हेड डॉट नेक्स्ट। सर, आई थिंक जो नीट कोड में आई थिंक सर होता है, नेक्स्ट सर होता है। आप क्वेश्चन इसमें हैश वाला, वो क्वेश्चन जो कमेंट वाला होते हैं, वो गिवन थे क्या? नहीं मैम, वो मैंने पहले खुद देखा था, ये एरर किधर आया था। नेक्स्ट होगा एक तो ये है, इसमें बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट नेक्स्ट होता है ना। जी वो नेक्स्ट अंदर डबल टी के साथ यूज किया ना, इसीलिए आप इस ये एरर मैं भी नेक्स्ट साफ देखा सर। ओके ओके, ये प्रॉब्लम यहाँ पे आई है। स्पॉन्जर्स यहाँ पे नन करेंगे तो कोड मेरा सही है सर। वो सर हमने जो पहले यहाँ पे हेड डॉट नेक्स्ट किया था, वो हुआ ये था कि अगर हमारे हेड ही नल हो तो देन क्या होगा। हमने यहाँ पे हेड को कहा कि वो करंट नोड में है, और करंट हाँ नोड अगर नन है तो वो यहाँ से रिटर्न कर दो प्रीवियस, यानी कि नल को रिटर्न कर दो। तो ये हाँ एरर वो एक ऐसा बेस केस हो सकता था, बिल्कुल स्केलिंग लिस्ट है या एम्प्टी। उसको सेपरेट करके भी देख सकते एनीवन। अगर किसी को समझना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज कंफ्यूज कर रही हो, मैं रिपीट भी कर देता हूँ फर्स्ट टाइम। जी सर, आप इसका ना सर एग्जाम्पल के साथ ड्राई रन भी करते हैं। मैंने कहाँ पे मैम, कहाँ पे कहा इसका एग्जाम्पल के साथ ना आप ड्राई रन कर दें। किसी एक एग्जांपल को अच्छा, ले लीजिए, स्क्रॉल करें ना। हाँ ये पहली एग्जाम्पल ही हम ले लेते हैं या हम दूसरी एग्जाम्पल ले लेंगे, पहले डिस्कस कर लिए। ओके, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, उसके अंदर पड़ा हुआ वन और ये पड़ा हुआ टू, और हमने जो रिटर्न करना है वो ये करना है कि टू पॉइंट कर रहा हो वन को, और इसका टू जो है ये हमने हेड जो है ये हमने रिटर्न कर दिया। अब हम देखते हैं कि ये हमारा कोड किस तरह से वर्क कर रहा है। फर्स्ट थिंग बेसिकली सर मैं यहाँ मैं से से एक चीज में एक चीज ऐड करना चाहूंगा। ये जो इलिस्ट्रेशन हम देखते हैं ना लिंक लिस्ट की, के एक एरो नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाए ना, कि ये इमेजिनेशन ना की जाए कि ये एक लाइन के अंदर पड़े हुए हैं, ये इमेजिन किया जाए कि नोड्स एक मशरक में पड़ा हुआ है, एक मगरब में पड़ा हुआ है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट इनके पास एक दूसरे के एड्रेसेस हैं, तो हम वो एड्रेसेस सर, बेसिकली अपडेट कर रहे हैं। एग्जैक्टली सर ऐसे ही तो होता है ना। ये देखिए ना, अब लिंक लिस्ट एक्चुअली जो होता है वो इसने ऊपर भी बताया है। ये देखिए, तो ये देखिए, ये जो एक लिस्ट नोड का एलिमेंट बनेगा, डेटा स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर दो चीजें पड़ेंगी। उसके अंदर एक वैल्यू पड़ा हुआ है और एक नेक्स्ट का एड्रेस पड़ा हुआ है। अब मैं यहाँ पे अगर इसको ड्रॉ करूँ, तो ये मेरे पास एक नोड है, ये मेरे पास एक कंप्लीट नोड है, और ये मेरे पास इधर लेट से टू पड़ा होगा, और ये मेरे पास नेक्स्ट का इधर एड्रेस होगा। सर ऐसे ही है ना, ये कहना चाह रहे हैं ना? और ये एड्रेस बता रहा होगा मुझे कि ये हाँ मेरा जो बिल्कुल नोड का एलिमेंट है ये मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है। लेट्स सी, इसमें टेन जी, है बिल्कुल और जी। इसमें मेरे पास नाइन। तो सर तो आसानी के ये लिए ये बॉक्स ड्रॉ करने के बजाय यही हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं कि ऐसे एक ये नोड है, ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है,
नहीं, मैं मेरा मकसद सिर्फ ये था कि बिगिनर्स के लिए उन्हें हकीकत पता होनी चाहिए, वो यही ना इमेजिन करते रहे कि ये लीनियर में पड़े हुए हैं। उनको इलम होना चाहिए कि हमारा जो नेक्स्ट का जो वेरिएबल होता है या जो प्रॉपर्टी होती है नेक्स्ट की, वो क्या कंटेन करती है। वो मेमोरी एड्रेस कंटेन करती है जो रैम के अंदर एक नोड पड़ा हुआ है। अगर उसको कोई भी, अगर किसी भी नोड को कोई पॉइंट नहीं करेगा तो उसको गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली उसको मेमोरी से वैनिश कर देता है। और सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है। अगर किसी बिगिनर को मैं अगेन इसमें मजीद एक क्लैरिटी वाला पॉइंट ऐड कर दूँ कि लिंक्ड लिस्ट और अरे में डिफरेंस ही ये होता है कि जो अरे होता है उसमें हमारे पास एलिमेंट्स कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पर पड़े होते हैं। यहाँ पे अगर 1 पड़ा है, 2 पड़ा है, 3 पड़ा है, अगर ये इसका एड्रेस लेट से 10 है ना, तो इसका एड्रेस 11 होगा, इसका एड्रेस 12 होगा। ये है अरे डेटा स्ट्रक्चर। और लिंक लिस्ट का डिफरेंस ये होता है कि लिंक लिस्ट में हमारे पास इस तरह कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस नहीं होती, यानी कि एक साथ पड़ी हुई मेमोरी लोकेशंस नहीं होती। कोई अगर लेट से यहाँ पे पड़ी हुई है ना, एक नोड यहाँ पे पड़ा हुआ है नोड 1, तो लेट से पॉसिबल है नोड 2 यहाँ पे पड़ा हो। अभी आप सपोज करें जो स्क्रीन है आपकी, ये कंप्लीट मेमोरी है, तो नोड 3 हो सकता है यहाँ पे पड़ा हो, तो इसका पॉइंटर इसको पॉइंट कर होगा, इसका जो नेक्स्ट का एलिमेंट है उसमें इसका एड्रेस पड़ा होगा, और इसका जो नेक्स्ट का एलिमेंट है नोड 2 का वो पॉइंट कर रहा होगा नोड 3। ये डिफरेंस होता है लिंक लिस्ट में और अरे के अंदर। लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर ऐसा है, इसी वजह से हम इसको इंडेक्स से एसेस नहीं कर सकते। जिस तरह हम अरे में कहते हैं ना कि जी अगर मैं अरे में ये मेरे पास अरे है तो इसका 0 इंडेक्स आ जाए तो मेरे पास ये वाला एलिमेंट आ जाता है। मैं कहता हूँ फर्स्ट फर्स्ट इंडेक्स आ जाए तो वो ये वाला एलिमेंट आ जाता है, सेकंड इंडेक्स का हूँ तो ये वाला एलिमेंट आ जाता है। लिंक लिस्ट के अंदर ऐसा इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस पे नहीं पड़े। क्लियर है सबको या किसी को डाउट है? और सर मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, आपने बहुत अच्छा डिफाइन किया इसको। मैं अब इसकी वजह बताना चाहूंगा कि व्हाई लिंक्ड लिस्ट। क्वेश्चन तो ये है ना कि अरे है जो सी हमारे पास, हमने क्या हम ताई भी है कि हमने लिंक्ड लिस्ट यूज करनी है। अब जो हम जो तो पाइथन बैकग्राउंड से हैं या हाई लेवल लैंग्वेज के ऊपर हैं, उन्हें तो अंदाजा नहीं होता कि एरे अंडर द हुड, जब हम एरे में कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, ये डायनामिक एरे का कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। एरे जब भी, लाइक आपने पाइथन के अंदर एक एरे इनिशियलाइज किया जिसके अंदर आपने इनिशियली टू एलिमेंट्स रखे, और आप क्या करते हैं नीचे लाइन नेक्स्ट लाइन के ऊपर आप उसके अंदर एक और एलिमेंट ऐड कर देते हैं। अब ये नहीं होगा कि उसके अंदर एक मेमोरी ब्लॉक अपेंड हो जाएगा उसके एंड में, नहीं। कंपाइलर अंडर द हुड क्या करेगा, अब वो नेक्स्ट न्यू एरे बनाएगा। लाइक पहले टू एलिमेंट से अब नीचे वो उसने थ्री एलिमेंट्स के साइज की न्यू एरे बनानी है, फिर एग्जिस्टिंग टू एलिमेंट्स को उसमें कॉपी करना है, और जो न्यू एलिमेंट आप ऐड करना चाह रहे हैं उसको तीसरी पोजीशन पर रखेगा, और पहले वाले जो दो एलिमेंट्स वाले एरे होगी उसको रिमूव कर देगा मेमोरी से। टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आपने एक एलिमेंट ऐड, और इसी तरीके से जब रिमूव करेंगे एरे अगेन न्यू एरे क्रिएट करेगा अंडर द हुड कंपाइलर या आपका इंटरप्रेटर, फिर उसी तरीके से ये प्रोसेस होगा। लेकिन लिंक लिस्ट में क्या है, लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्शन इन फ्रंट एंड डिलीशन इन फ्रंट बहुत फास्ट होती है, कांस्टेंट टाइम में होती है, लेकिन एरे के अंदर इंसर्शन जो होती है या डिलीशन होती है वो एंड टाइम में होती है, कांस्टेंट टाइम में नहीं होती। बजाहिर यही लगता है कि मैंने तो सिर्फ पॉप कर दिया या रिमूव कर दिया, क्योंकि एरे अंडर द हुड अगर सी लैंग्वेज के बैकग्राउंड से समझें इसको, तब अंदाजा होता है कि एरे कांस्टेंट डाटा कांस्टेंट है, उसके अंदर डायनामिक नहीं है। ये लिंक लिस्ट आपकी डायनामिक है, जब आप लिंक लिस्ट में कुछ चीजें ऐड करते हैं तो सिंगल नोड आप मेमोरी में क्रिएट करते हैं और उसको सिंपल अपेंड कर देते हैं, बाकी लिंक लिस्ट के ऊपर कोई उसका असर नहीं होता। और जैसे आप डिलीट करना चाहें आप फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर अगर आप मिडल में से कुछ डिलीट करना चाहें तो इसका एंड टाइम में चला जाएगा, इसका टाइम एंड में चला जाएगा, या फिर आप लिंक लिस्ट के एंड में कुछ डिलीट करना चाहते हैं तो उसका टाइम भी एंड में चला जाएगा, कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा। लिंक लिस्ट उधर बेनिफिशियल होती है जिस जगह पे आपको उसके शुरू में ही कुछ चीज ऐड करनी है या रिमूव करनी है, तो इस टाइप की जो चीजें होती हैं हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट है इसका।
अच्छा मैं जबरदस्त इसको एक्सप्लेन दोबारा रिवाइज करना चाहूंगी। मुझे सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया, हमने इस कॉन्सेप्ट को लेक्चर में देखा था, पर एक चीज ऐड दोबारा से करना चाहूंगी। बेसिकली हमने ये भी देखा था कि जो इंसर्शन रिलेशन होती है वो ओ ऑफ वन होती है, लेकिन जब हम कोई नोड किसी स्पेसिफिक पोजिशन पे जाते हैं तो हमें ना इंटायर ट्राइवर्स करना पड़ता है उस नोड तक पहुंचने के लिए। इंसर्शन और डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी एक नोड होता है, जैसे हम पॉइंटर एक नेक्स्ट या प्रीवियस जो भी कर देते हैं उसकी वजह से ओ वन आ जाती है। लेकिन जब हम किसी स्पेसिफिक पोजीशन में जाते हैं तो हमने ये बात की थी कि हमें ट्राइवर्स करना पड़ता है, हमें वहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगता है वो बेसिकली ओ ऑफ एन लगता है। तो इस वजह से हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन क्यों हो जाती है। बेसिकली जो ट्राइवर्सिंग की कॉम्प्लेक्सिटी है वो ओ ऑफ एन है, जितने टाइम हमें लगता है एन वैल्यूज वहां तक रीच करने के लिए। लेकिन इंसर्शन और डिलीशन की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन ही रह जाती है। लेकिन जब हम इन दोनों ऑपरेशन को कंबाइन करते हैं ना, तो उस केस में हम ओवरऑल कहते हैं ओ ऑफ एन। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। बेसिकली ट्राइवर्सिंग की कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ एन है उस नोड तक रीच करने के लिए जहाँ जो आपने डिलीट करना है। लेकिन इंसर्शन और डिलीशन बेसिकली किसी भी नोड की ओ ऑफ वन में हो जाती है। बहुत जबरदस्त हो गया। एनीवन, अगर किसी को इसी चीज की विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी चाहिए, अभी जितनी ये डिस्कशन हुई है, डिलीशन, इंसर्शन, अरे, लिंक्ड लिस्ट का डिफरेंस, किसी को अगर इसकी क्लैरिटी नहीं है तो मैं इसकी विजुअलाइजेशन में बना देता हूँ। एनीवन, नहीं तो फिर हम इस क्वेश्चन की विजुअलाइजेशन देखते हैं। ओके, देन हम क्वेश्चन की विजुअलाइजेशन देख लेते हैं। एक्चुअली हमारे पास इस एग्जांपल के थ्रू हम जा रहे हैं, एग्जांपल पे कि हमारे पास एक फर्स्ट नोड है, एक सेकंड नोड है, और हमने अब करना ये है, अब हम इस कोड के ऊपर चलेंगे कि जो कोड की लाइंस कह रही हैं हमने उसी को माइंड में रखना है। ओके, तो हमारे पास एक, ये देखिए यहाँ पे, एक हम रख लेते हैं प्रीवियस, एक हम कर लेते हैं करंट, और एक हम कर लेते हैं नेक्स्ट। तीनों के अंदर हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है वो हमें यहाँ पे नजर भी आता है। तो अभी यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट लाइन को अगर हम एग्जीक्यूट करें यहाँ पे, तो प्रीवियस के अंदर हमारे पास है नन, इसके अंदर पड़ा हुआ है हेड, मैं हेड की जगह पे वन लिख रहा हूँ बिकॉज यहाँ पे वन ही हमारा हेड है, यही हेड है। और नेक्स्ट में भी हमारे पास नन पड़ा है। अब हम चलते हैं इस करंट के ऊपर, ये लाइन नंबर 10 के ऊपर, वाइल करंट, यानी कि ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो लूप के अंदर जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हमारा लूप ब्रेक हो जाएगी। अब तो हम चेक करते हैं यहाँ पे करंट के अंदर वन पड़ा है, इट मीन्स कि करंट नोड नल या नन नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन ट्रू हो गई, वो लूप के अंदर चला जाएगा। अब यहाँ पे जब आए हैं तो नेक्स्ट के अंदर हमने रखना है ये लाइन नंबर 11 के अकॉर्डिंग करंट का नेक्स्ट एलिमेंट। करंट का अगर हमें नेक्स्ट एलिमेंट करना, तो अभी तो यहाँ पे नन पड़ा हुआ था, अभी यहाँ से ये ओवरराइट होकर करंट का नेक्स्ट क्या है, यानी कि करंट ये है, करंट का नेक्स्ट क्या है, वो है टू, यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर, ये है करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, यानी कि अब जो हमारा जो ये वाला कनेक्शन है इसका होना है ब्रेक, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, और इस कनेक्शन को हमने क्या देना है प्रीवियस, और प्रीवियस में हमारे पास पड़ा हुआ नन, तो ये कनेक्शन यहाँ से ब्रेक हुआ और इस जो कनेक्शन नया बना उसके अकॉर्डिंग ने पॉइंट करना है, मैं भी राइट, बिकॉज हमारे पास प्रीवियस में नन पड़ा हुआ था। अब नेक्स्ट लाइन पे मूव करते हैं, प्रीवियस इक्वल टू करंट, करंट में पड़ा हुआ है वन, और प्रीवियस को हम असाइन कर रहे हैं लाइन नंबर 13 के थ्रू करंट एलिमेंट। तो अगेन यहाँ पे हम इसको ट्रेस करते हैं, प्रीवियस के अंदर चला जाएगा करंट जो कि है वन, और नेक्स्ट लाइन लाइन नंबर 14 के अकॉर्डिंग करंट इक्वल टू नेक्स्ट, यानी कि ये टू है ये साइन हो जाएगा करंट। मैं यहाँ पे गेम रिमूव कर देता हूँ,
और यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं हम, यहाँ पे करंट में हमारे पास आ जाएगा दो। अब अगेन ये सारी लूप दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पे करंट दोबारा चेक करें, क्या वो नल है? नहीं, वो तो नल नहीं है। तो नेक्स्ट इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट, यानी कि नेक्स्ट में अब हमारा करंट डॉट नेक्स्ट करंट हमारा अब ये बन चुका था। करंट डॉट नेक्स्ट में हमारा पड़ा हुआ नल, बिकॉज यहाँ पे तो हमारी लिंक लिस्ट एंड हो गई है। इससे आगे जो नेक्स्ट पॉइंट कर रहा होगा वो तो नल को कर रहा होगा। अब हमारा ये जो नेक्स्ट है ये हमारा बन जाएगा नल। अब नेक्स्ट लाइन नंबर 12 के अकॉर्डिंग करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, यानी कि अब इस टू का जो ये वाला पॉइंटर था, ये वाला यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये पॉइंट करेगा प्रीवियस को, और करंट डॉट नेक्स्ट हमने पॉइंट करना है प्रीवियस को, प्रीवियस में पड़ा हुआ है वन, तो जो टू का पॉइंटर है ये पॉइंट करेगा। और लाइन नंबर 13 के अकॉर्डिंग प्रीवियस इक्वल टू करंट, यानी कि जो ये प्रीवियस है इसके अंदर हमने रखना है करंट को, करंट के अंदर है टू। और लास्ट लाइन लाइन नंबर 14 करंट इक्वल टू नेक्स्ट, और नेक्स्ट पे पड़ा हुआ नल, ये भी नल हो गया। अब दोबारा ऊपर लाइन नंबर 10 पे आते हैं तो करंट देखिए यहाँ पे नल हो चुका है, और रिटर्न में हमने करना है प्रीवियस, प्रीवियस में पड़ा हुआ टू। और अब यहाँ पे हम आ जाएं, हम ये रिटर्न कर रहे हैं एज अ हेड, अब ये हमारा हेड बन चुका है और ये पॉइंट कर रहा है वन को और वन पॉइंट कर रहा है नल को, तो ये हमारी लिंक लिस्ट रिवर्स हो गई। जिसका यहाँ पे 2,1, किसी को ये इलस्ट्रेशन ना समझ आए, कोई कंफ्यूजन हो तो वो क्वेश्चन कर। सर क्लियर है, अगर किसी पार्टिसिपेंट को नहीं है तो काइंडली वो सर से पूछ लें। अच्छा, मुझे इसमें ये बात नहीं समझ आई, CUR.next इज इक्वल टू प्रीवियस वाली, ये किस तरह काम कर सर रहा है, लाइन मुझे नंबर इसकी कौन नहीं सी समझ है? आ रही। लाइन नंबर 12 है। लाइन नंबर 12 है। ओके सर, हम इसी को देखते हैं, लाइन नंबर 12 को देखते हैं, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। ओके सर, सर हम ना ये वाला इसको सिनेरियो लेते हैं कि हमने अभी आइटरेशन शुरू किया है। ठीक है सर, अब मैं आपसी से क्वेश्चन करूंगा, आप ही ने मुझे पॉइंट करवाना है कि ये अब यहाँ पे ये क्या है। ठीक है सर, इसको भी मैं रियलाइज कर सर, ये मुझे एक लिंक लिस्ट गिवन है सर, राइट सर, ऐसे ही है वन पॉइंट यस वन सर, ऐसा ही है। एग्जैक्टली सर। अब मुझे ये बताएं कि सर ये जो फर्स्ट लाइन है लाइन नंबर 8, इसके अकॉर्डिंग प्रीवियस में क्या पड़ा था सर? इसमें नन पड़ा हुआ है अभी। मैं यहाँ पे सर नल लिखा। ठीक है सर, अब यहाँ पे लाइन नंबर 12 कह रही है कि करंट डॉट नेक्स्ट, करंट में हमारे पास सर पड़ा हुआ है वन और नेक्स्ट में हमारे पास पड़ा हुआ है नल, ये मैंने लिख दिया। ठीक है सर, लाइन नंबर 8 के अकॉर्डिंग ठीक है, ठीक सही है सर। अब समझ सर गया। लाइन नंबर 12 12 पे आए तो उधर लिखा हुआ है करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, यानी कि जो जो सर ये जो पॉइंटर है ये नेक्स्ट क्यों बताता ना कि ये नेक्स्ट किसको पॉइंट कर रहा है। जी तो अगर मैं इस पॉइंटर को मैंने यहां से इरेज करना हो, मैंने इसको यहां से खत्म करवाना हो, तो मैं इसको ओवरराइड कर दूंगा, मैं इसके जगह कुछ और रख दूंगा। लेट से मैंने यहाँ पे ये ऐसे इसको टू कर रहा है, इसके बाद यहाँ पे थ्री है। ठीक है सर, अगर मैंने कहना हो ठीक कि है, नहीं इसको वो ऐसे बात मैं कर लो समझ पॉइंट, गया हूँ कि CUR.next जो है वो नन को पॉइंट करने लग जाएगा, लेकिन जब ये दोबारा दोबारा जो लूप चलेगा तो प्रीवियस के अंदर हमारे पास टू आ जाएगा, ऐसा ही है। तो वो किस तरह पॉइंट हो रहा है उसकी मुझे समझ नहीं आ रही। ओके सर, यानी कि पहला पहला वन के लिए क्लियर है, टू के लिए इशू हो रहा है, ऐसे ही है जी सर। जी टू जी टू के लिए इशू हो रहा है। ओके सर, मैं टू के लिए ड्रॉ कर देता हूँ, यानी कि फर्स्ट टाइम के लिए जब हमारी लूप कंप्लीट होगी ये हमारा इसको पॉइंट कर रहा है नल को,
और यहाँ पे हमारे पास करंट में पड़ा होगा 2, और नेक्स्ट में हमारे पास पड़ा होगा प्रीवियस में हमारे पास पड़ा होगा 1, और नेक्स्ट में हमारे पास पड़ा होगा सर। अब आप देखें, अब सर यहाँ पे जब वो आएगा उसने कहना है करंट डॉट नेक्स्ट, करंट है हमारे, करंट में हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, करंट डॉट नेक्स्ट यानी कि इसका जो नेक्स्ट का पॉइंटर यहाँ पे नल को पॉइंट कर रहा था, हम उसको कह रहे हैं करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस, और प्रीवियस में हमारे पास यहाँ वेरिएबल में 1 पड़ा हुआ, तो ये वाला पॉइंटर यहाँ से खत्म करके हमने इसको यहाँ पे पॉइंट करवाना। सर क्लियर? चले, मेरे ख्याल से मैं इसकी और एग्जांपल्स देखूंगा ना, मुझे इसकी नहीं समझ नहीं आ रही, मैं इसकी और एग्जांपल्स देखता हूँ, अगर मुझे समझ नहीं आई तो मैं नेक्स्ट वीक में दोबारा पूछूंगा या मैं स्लैक में पूछूंगा। सर अगर मैम अगर हमारे पास टाइम है तो हम दोबारा इसकी कंप्लीट आइटरेशन एक कर लें, सर को आई थिंक कंफ्यूजन है। जी सर आप कर लें, और सर आप भी समझ गए क्लास में हो, बेटर ये होता है कि आप क्लास में समझ के जाया करें। जी सर आप बता दें सर को। थैंक ओके यू। मैम। ओके सर, तो हमारा यही हमें इंग्लिश गिवन है 1 एंड 1 2, ठीक है सर। ठीक हो गए। ओके सर, तो सर 9 नंबर 8 है हमारे पास, ये यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स इनिशियलाइज करवाए हैं, हम उनकी वैल्यूज यहाँ पे जस्ट लिख रहे हैं, ठीक है सर, वो मुझे काइंडली लिखवा दें। प्रीवियस में नन आ जाएगा, करंट में उसका प्रीवियस हेड आ में जाएगा, हेड की आना वैल्यू 1 आ गई, और हेड की वैल्यू नेक्स्ट भी वन जो है नन आ आ गया। गई, नेक्स्ट नेक्स्ट पे भी नन आ गई सर। अब लाइन नंबर 10 पे जाइएगा जरा प्लीज, वहां पे अब क्या कह रहा हूँ। 9 नंबर 10 कह रहा है कि अगर करंट एग्जिस्ट करता है तो ये लूप चल जाएगा। एग्जैक्टली, तो करंट में हमारा एग्जिस्ट करता है करंट। अच्छी, अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं 1। ओके सर हो गया, तो इसका मतलब हम लूप के अंदर चले जाएंगे, तो हम लाइन नंबर 11 पे अब आ गए। 11 में आ गए। 11 क्या करेगा, नेक्स्ट को जो है मतलब करंट का अगला एलिमेंट दे देगा। तो सर यानी कि मेरे पास यहाँ पे नेक्स्ट पे क्या आ जाएगा, मेरे पास नेक्स्ट पे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट पे हमारे पास करंट का नेक्स्ट एलिमेंट आ जाएगा, यानी कि करंट अभी मेरा 1 था, इसके अकॉर्डिंग ये इसके अकॉर्डिंग, तो अब हमारा करंट डॉट नेक्स्ट कह रहा है, तो मेरे पास नेक्स्ट में यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक हो गया सर। और उसके बाद लाइन नंबर 12 क्या है सर। 9 नंबर 12 है कि करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू प्रीवियस, इसकी मुझे नहीं समझ आई भी। करंट डॉट नेक्स्ट को हम असाइन कर रहे हैं, जिस तरह के सर ये देखें। अच्छा मेरे ख्याल से आपको इशू ये हो रहा है सर कि नेक्स्ट तो हमारा एक एड्रेस है ना, हम उसको कोई चीज असाइन कैसे कर सकते हैं सर, ऐसे ही है केस। क्या मतलब, दोबारा पूछे सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसे जैसे पहले होता ना कि मिसाल के तौर पे a=10, ठीक है सर, ये हमारा एक सिंपल वेरिएबल है जिसको हम कोई डाटा असाइन कर सकते हैं, इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। सेम इसी तरीके से ए डॉट नेक्स्ट अगर मैंने करना हो ना, तो सर यहाँ पे नेक्स्ट भी एक वेरिएबल ही है, ये देखें, शायद अभी आपको क्लासेस का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, लेकिन यहाँ पे जो नेक्स्ट है ना वो भी हमारा एक वेरिएबल ही है जिसके अंदर हम कुछ इस तरह करके स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है, इसको इसकी समझ आ गई। इसकी आपको समझ आ गई बोल। अब हम आते हैं लाइन नंबर 12 के ऊपर। अब अच्छा सर लाइन नंबर 12 में लिखा हुआ है कि इसमें सर के एक पॉइंट में मैं भी ऐड ये करना चाहूंगी सर, हम बेसिकली ना रिवर्सिंग कर रहे हैं, अगर 1 का नेक्स्ट 2 है ना, तो अब हमने इसको रिवर्ट करके ये करना है कि 1 का आगे जो वैल्यू होगी ना उसका नेक्स्ट आउट हमने अभी डिफाइन करना है, तो इनिशियली जो फर्स्ट नोड है ना तो उसका नेक्स्ट क्या होगा। अगर हम देखिए आप सेकंड जो एरो ड्रा होकर डाउन आया हुआ है, 2 और 1 आ गए, अगर आप देखिए जो लास्ट नोड है ना 1, तो
उसका इनिशियली नेक्स्ट पॉइंटर क्या है, सेकंड एग्जांपल सेकंड के सेकंड पार्ट में देखिए, जब एरो के बाद वन का नेक्स्ट क्या है, नल है ना। हाँ, तो हम एरो को बैक कर रहे हैं, हम रिवर्स कर रहे हैं, तो बेसिकली प्रीवियस वैल्यू एक्चुअली में जो हम दोबारा से रिवर्स करके बना रहे हैं ना, तो अगेन से वो वाला नेक्स्ट ला रहे हैं। आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ है, हम क्यों प्रीवियस का पॉइंट मेंटेन कर रहे हैं? यस मैम, मुझे इसको क्लियर नहीं प्रीवियस हुआ का भी तो मुझे बिल्कुल समझ आ बताओ। गया, प्रीवियस हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, करंट का भी समझ आ गया हम क्यों मेंटेन कर रहे हैं, और नेक्स्ट का भी मुझे समझ आ गया। मुझे सिर्फ ये बात नहीं समझ आ रही कि हम इसको CURR.next इज इक्वल टू प्रीवियस में किस तरह स्टोर कर रहे हैं, मुझे ये मतलब पॉइंट किस तरह कर रहे हैं, मुझे ये नहीं बात समझ आ रही। अच्छा, एक बात इसके हम यस मैम, देंगे। आप अच्छा, इसमें ना बेसिकली अगर आप हम देखते हैं, जो आपके पास नेक्स्ट पॉइंटर है ना, आप देखिए इस टाइम ना हम वन पे खड़े हुए हैं, ठीक ठीक है, है, लेकिन वन पे हमने हैं। ना, हाँ, हमने नेक्स्ट वैल्यू को भी ना मेंटेन करना है, क्योंकि ना हम वन का नेक्स्ट पॉइंटर, अब ये असर आप एक लिंक लिस्ट बनाएं, उसमें ना 1, 2 और 3 तीन एलिमेंट्स डाल दें। इस नोट के आगे एक 3 डाल दे डिफरेंट कलर से। तो टू के आगे मैम, मैं खुद बना देती हूँ, आप लेट्स सपोज कीजिए हम इस लिंक लिस्ट को देखते हैं, उस वो नल हो जाती है, तो आपको इसके अंदर वैल्यू 3 पड़ी हुई है। लेट्स सपोज हमने चेंज करनी है, हम सेकंड नोट की एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट की नहीं लेते। जैसे आप नोट 2 पे है ना, आप देखिए नोड 2 का जो रिवर्स हो रहा है पॉइंटर है, वो 3 को पॉइंट आउट कर रहा है। हमने इसका पॉइंटर ना 1 को करवाना है, तो बेसिकली जब हमने इसका पॉइंटर 1 को करवाना है ना, तो इसका पॉइंटर इस साइड जा रहा है, तो हमने इसका करवाना है। प्रीवियस का काम ये करेगा कि ना करंट का जो नेक्स्ट है, इसको प्रीवियस वाला एड्रेस दे देगा, क्योंकि जब हम लेफ्ट राइट मूव करें तो प्रीवियस ये होगा ना, तो इस हम करंट पे यहाँ पे हैं, जब मैं करंट को नेक्स्ट कराऊंगी तो एक्चुअली में हम एरो इस साइड मूव कर रहे हैं, तो जब हम इस साइड करेंगे तो करंट का नेक्स्ट 1 होना चाहिए ना, तो प्रीवियस के, और ये वैल्यू हमारी प्रीवियस में स्टोर है, और ये जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है ना, ये हम बाय डिफॉल्ट जब इस पॉइंटर को तोड़ रहे हैं, इस वाले पॉइंटर को, तो इस तोड़ने से पहले, इसको ये वाला नेक्स्ट देने से पहले, हमने इसको नेक्स्ट के अंदर स्टोर कर लेना है। अब आपको क्लियर हुआ? मैम मुझे जो समझ आ रही है उसके अकॉर्डिंगली CURR.next है ना, तो सबसे पहले एक मरतबा जब लूप चल जाएगा तो 1 अपनी जगह पर ही होगा, 2 की जगह नल आ जाएगा, ऐसा ही है। अच्छा, आप लेट्स सपोज कर लें, सर आप फिलहाल थोड़ी देर के लिए कोड को छोड़ दें, हम दूसरे नोड पे आ चुके हैं ना, हम रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया। अब आप देखिए, जब हम रिवर्स करेंगे ना सर, आप साथ में ना ऊपर वाली भी एग्जांपल खोल दें, 1, 2, 3 वाली। लॉन्ग एग्जांपल है जी। अब आप देखिए, अगर 1, 2, 3 है ना, तो 2 का पॉइंटर 3 से जा रहा है, तो बैक होके 2 का पॉइंटर जो है 3 पे जा रहा है, आप देखिए एरो से पहले। लेकिन वापस देखिए, 2 का पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, 1 को ना। जी अब हमने ये जो 2 का पॉइंटर, अब जो मैंने ड्रा किया था, आप देखिए 2 का जो पॉइंटर है वो 3 को पॉइंट आउट कर रहा है ना, मैं जी रिवर्स कर दूं तो मैंने इसका नेक्स्ट पॉइंटर क्या होगा, 2 का, अगर मैं रिवर्स कर दूं तो 2 का जो नेक्स्ट होगा वो 1 बनना चाहिए, प्रीवियस वाला बेसिकली, जो कि 1 नोड है। अच्छा, 2 का जो प्रीवियस है ना, इस टाइम आप समझ लें, आप 2 पे खड़े हुए हैं, 2 का जो नेक्स्ट 3 है और 2 का जो प्रीवियस है वो 1 है। यहां तक आपको बात क्लियर होगी? अब हमने ना 2 का जो पॉइंटर रिवर्स करवाने के लिए, 2 को, 2 का नेक्स्ट, 2 के नोड के ना नेक्स्ट पे जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो 3 का है, लेकिन हमने इसके नेक्स्ट में 1 का एड्रेस स्टोर करवाना है, ठीक है, और 1 इसका प्रीवियस नोड है। अच्छा, आपको ये लाइन समझ आ गई थी कि नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं? तो ये एड्रेस मैंने तोड़ने से पहले
मैंने इसको नेक्स्ट के अंदर स्टोर कर लिया। अब आप देखिए मैं नोड टू पे हूँ और नोड टू की प्रीवियस जो वैल्यू है उसको मैंने करंट का नेक्स्ट करवा देना है। येलो वाला एरो होगा, फर्स्ट पे वो पर्पल की तरफ जा रहा है, मैंने उसे क्या करना है टू के नेक्स्ट में क्या करवा देना है, वन वाला। और वन वैल्यू इसकी प्रीवियस में स्टोर होगी ना, जो प्रीवियस फेज से गुजर के आया होगा इटरेशन से, इस वजह से हम उसे प्रीवियस कह रहे हैं। मैम आपको आप लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करें, मुझे नहीं समझ आ रही। मैं जो हूँ इसको खुद से करूँगा बैठ के एक मरतबा फ्रेश माइंड के साथ। उसके बाद अगर मुझे फिर भी मसला हुआ तो मैं दोबारा पूछूंगा लाजमी स्लैब पे। अच्छा, वैसे आपको क्या चीज कंफर्म नहीं हो रही? मुझे इसमें ये बात समझ नहीं आ रही कि ये CURR.next जो है हम इसको अगले पर पॉइंट कर रहे हैं प्रीवियस के ऊपर, तो ये तो फिर मतलब कि वन जो है वो अगर करंट पर है तो वन जो है वो फिर भी नल को ही पॉइंट करेगा ना। अच्छा तो ठीक है, सर हमने आपने हाँ फर्स्ट आइट्रेशन में तो नल को ही पॉइंट करवाना है, देखिए ना सर हमारे पास है वन, ये पॉइंट कर रहा है टू और अच्छा ये पॉइंट कर मैं रहा है थ्री को। हमने जो हमने करवाना क्या है कि ये थ्री पॉइंट करे टू को और ये टू पॉइंट करे वन को। तो वन के एंड पे यहाँ देखे ना, अगर यहाँ से हम अब लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे अगर खत्म हो रही है तो इसके बाद तो नल ही होगा ना सर। सर जी अगर हम यहाँ से लिंक लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये हमारा हेड नोड है, तो यहाँ पे हमारी लिंक लिस्ट खत्म हो रही है तो ये नल ही होगा ना सर। ये नाली होगा। बिल्कुल सर, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको इस फॉर्म से, ये वाली जो ये ऊपर वाली लिंक लिस्ट, ये हमारी इनपुट थी और ये हमारी आउटपुट फॉर्म होगी। हमने यहाँ से जब ये वाला पॉइंट पर खत्म किया इस लाइन नंबर 11 के थ्रू, नेक्स्ट का जो सॉरी जो करंट नोड है, जो नेक्स्ट नोड है वो हमने यहाँ पे नेक्स्ट में स्टोर करवाया। उसके बाद हमने कहा कि ये हमारे पास स्टोर हो चुका हुआ है, अब हमने इसका जो पॉइंटर है यहाँ से तोड़ के इसको हमने पॉइंट करवाया नल पे, ताकि हम इसमें नीचे जो हमने नीचे आउटपुट फॉर्म है उसमें आ सके। ठीक है समझ आ गई। वन जो है नल को पॉइंट कर रहा है, ठीक हो गया। वन जो है नल को पॉइंट कर रहा है। अब जब नेक्स्ट आइट्रेशन में आएंगे तो हमारा करंट में ये वाला नोड होगा, ये टू जो है हमारा करंट नोड होगा और प्रीवियस हमारा वन में पड़ा होगा। अब नीचे सब आप मुझे देखते हैं कि समझ आ हमने गई यहाँ है। पे आउटपुट में पॉइंट कर रहा है वन, टू जो पॉइंट कर रहा है वन को कर रहा है, देखे ना सर ये वाला, ये वन को पॉइंट कर रहा है। अब हमारा अब सेकेंड आइटरेशन में ये प्रीवियस नोड है, ये हमारा करंट नोड है, तो हमने इसको ऐसे पॉइंट करवाना है और वो यही तो कर रहा है, करंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। सर क्लियर हो गया? जी मुझे क्लियर हो गया है। अब क्लियर हो गया। यस मैम, अब नेक्स्ट पे क्या करना अच्छा, किसी और पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है इस क्वेश्चन से रिलेवेंट? अच्छा सर, आपने यही क्वेश्चन प्रेजेंट करना था आज? यस मैम, मैंने ये क्वेश्चन प्रेजेंट किया। आई अच्छा थिंक मुझे ठीक नहीं है पता वो सेकंड क्वेश्चन किसने लिखा है, मुझे नहीं पता इसका। ठीक है, ये किसी ने नेम नहीं मेंशन किया, इवन मैंने चैट में भी पूछा था, पता नहीं वो प्रेजेंटर है भी कि नहीं, लेकिन थैंक यू सर, आपने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया और होप सो पार्टिसिपेंट को भी समझ आया होगा। सर ने काफी अच्छी एक्सप्लेनेशन दी और उसका ड्राई रन भी किया। अगर स्टिल किसी का क्वेश्चन नहीं है, वैसे हमारे पास 5-6 मिनट रह गए हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं होगा। सर बिलाल को भी समझ आ गया, अगर स्टिल सर आपको कोई क्वेश्चन हुआ तो आप जरूर अपकमिंग वीक में पूछ लीजिएगा इस क्वेश्चन से रिलेवेंट। अच्छा
ओके मैम, अगर जनरल कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, क्योंकि 4-5 मिनट है अभी हमारा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं होगा और वीक नेक्स्ट वीक हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अच्छा अच्छा मैम किसी कि इस का क्वेश्चन में तो हमें हेड दिया हुआ था इन्होंने ना, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर हमें हेड नहीं दिया हुआ था। जिस तरह मैं एक क्वेश्चन कर रहा था ऐड टू लिंक लिस्ट, इस तरह करके उसका नाम था, तो उसमें हमें हेड नहीं दिया हुआ था, तो उसको हम किस तरह, मतलब पहला एलिमेंट किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर हम किस तरह वर्किंग करेंगे। अच्छा क्वेश्चन क्या था, आपने क्या क्वेश्चन बताया? हेलो, आवाज आ रही सर मेरी? क्वेश्चन, जी जी सर आपकी आवाज आ रही है। क्या क्वेश्चन ये था कि सर मेरे पास लेट से ये एक लिंक लिस्ट है और ये मेरे पास दूसरी लिंक लिस्ट है, लेट से 4, 5, 6, ये मेरे पास दूसरी लिंक लिस्ट है, हमने इन दोनों को ऐड करना है सर। नहीं, आप ये लीड कोड पर ही सर्च करें ना, ऐड टू लिंक लिस्ट, इस तरह करके क्वेश्चन था। तो मतलब कि दो लिंक लिस्ट थी, या तो फिर मैं आपको निकाल के दे देता हूँ, उसका नंबर निकाल के देता हूँ। सर आप भी सर्च कर लें, मैं यहाँ पे भी सर्च कर लेता हूँ, जिसको मिल जाए कर लेता हूँ, हम डिस्कस कर लेते हैं सर। तो सर जो अली आज आपने फर्स्ट टाइम किसने किया है या पहले भी किया हुआ है आपने? ऑल आज मैंने सेकंड राइट, इससे पहले आपने कभी भी प्रेजेंट नहीं किया हुआ एक क्वेश्चन के अलावा लाइव? किया, मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन ही प्रेजेंट ओके, आपकी काफी अच्छी एक्सपीरियंस थी एज अ बिगनर, लाइक आपने आज सेकेंड टाइम किया, बाकी पार्टिसिपेंट भी कर ली। आप प्रेजेंट क्या करें सेशन में था। अच्छा, क्वेश्चन का नाम नेक्स्ट? है मर्ज टू सॉर्टेड लिंक लिस्ट्स। मर्ज टू सॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट, सर ये क्वेश्चन है, ये 21 नंबर है सर। सर जी ये यही है, 21 नंबर है सर। जी यही है, यही है। सर यहाँ पे हमें दोनों के हेड तो दिए गए, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, हेड तो हमारे पास दोनों के हैं। क्वेश्चन में से सॉल्व भी मैंने पहले किया हुआ है, अगर यहाँ पे हम इसको डिस्कस करना तो कर लेते हैं। नहीं, बस इसको मैं खुद ही देखूंगा, तो बस ही मुझे समझ नहीं आ रही थी कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया हुआ था लेकिन मेरे पास वो नहीं हो रहा था। चलो, मेरा कोई और इशू होगा कोड में, तो मैं बाद में इसको देखूंगा। बिल्कुल आप बिल्कुल देखिएगा, और ना समझ तो पूछ भी लीजिएगा। और वैसे यहाँ पे सर लिस्ट 1 जो है ना, वो एक्चुअली लिस्ट 1 वेरिएबल हेड को ही पॉइंट करे, यानी कि वो हेड ही है, और यहाँ पे लिस्ट 2 भी हेड ही है, यानी कि जो हमारा लिस्ट 1 है अच्छा, वो मैं अच्छा इसमें ये क्वेश्चन पॉइंट में कर जो रहा है है, हमको, और लिस्ट 2 इसको पॉइंट कर रहा है। अच्छा मैंने इसमें क्या कर रहा था ना, list1.next कर रहा था, तो मेरे ख्याल से उस वजह से मेरा इशू आ रहा था। अच्छा वैसे इस क्वेश्चन में हेड गिवन नहीं है, बाकी क्वेश्चन में हमने देखा था हमारे पास हेड पास होता है। अच्छा मैम ये हेड ही है, इसको एसेस करने का तरीका हमारा ये है, ये हमारा हेड ही है, यानी कि ये नहीं कि एक लिस्ट नोड है, ये मैंने C1 C2 को पास किया इसमें, ये मैम हमारा हेड ही है। देखे ना यहाँ पे हमारा उसके नेक्स्ट एलिमेंट भी एसेस हो रही है, उसकी वैल्यू भी उसी पॉइंटर से एसेस हो रही है। सर आप किसको हेड कह रहे हैं? मैम जो हमारा लिस्ट 1 है ना, ये देखें ये वेरिएबल मैंने इसको पास किया C1 को, तो ये C1 जो है ये हेड है। हाँ अच्छा, इसमें एक और चीज मैंने
मुझे इस बात की नहीं समझ आई अभी भी कि ये हेड किस तरह है, क्योंकि जब मैंने इसको प्रिंट किया था, अच्छा प्रिंट में तो वो सारा दे दिया। ठीक, सॉरी सॉरी। अगर सर आपने उस किसी एक नोड की वैल्यू को जस्ट प्रिंट करना हो ना, तो वो ये वैल से हम उसको प्रिंट, ये देखिए मैंने उसको बताया भी, ये यानी कि अगर एक हमारा नोड है ना, मैं सर एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, अगर मेरा एक नोड है उसका नाम है नोड, या उसका नाम है लेट से ए, लिंक लिस्ट हमने पढ़ी है उसके अंदर नोड्स होते हैं, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ आपको पहले, मेरे पास एक लेट से सर ये लिंक लिस्ट है, अगर मैंने मेरे पास हेड इसको पॉइंट कर रहा, मैंने इसका जस्ट वैल्यू लेने में कि इसके अंदर डेटा क्या स्टोर हुआ है, तो मैं करूंगा लेट्स से नोड डॉट वैल, इससे मेरे पास ये वाला वन आ जाएगा, ये ठीक हो गया, उसने समझ आ उसको गई मुझे बताया, इसमें। ये उसने तरीका बताया हुआ, और मुझे अगर उसका जस्ट नेक्स्ट चाहिए तो वो नेक्स्ट, तो हम डॉट नेक्स्ट के साथ करते हैं ना, डॉट नेक्स्ट ऐसे करके, सर कोई और कंफ्यूजन? नहीं, और कोई कंफ्यूजन नहीं। थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। अच्छा, किसी और का कोई भी क्वेश्चन है तो पढ़ ले, वो भी पूछ ले, हमारे पास 1 मिनट है, 1-2 मिनट। और कोई फीडबैक देना चाहता है सेशन से रेलेवेंट, जितना भी हमने किया था वो भी दे सकता है। अच्छा, किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? मैम, अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक बाइनरी सर्च है। ये टॉपिक हमने इसलिए किया था क्योंकि ना ये 2 पॉइंटर्स में लिंक कर रहा था, हमने देखा था 2 पॉइंटर्स में एक टाइप होती है स्लो एंड फास्ट, की वो लिंक में यूज होती है, तो इस वजह से हमने इसको कंसेक्यूटिव किया है। आप कुछ और कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे पूछना चाहता कि पहले नेक्स्ट अब आपका कोई इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा उसके ऊपर, फीस के ऊपर, बाइनरी और सर्च किसके फीस। ऊपर? जी, हमारा नेक्स्ट जो मंडे का लेक्चर है वो बाइनरी सर्च पे होगा। ठीक उसके बाद हम उस पर क्वेश्चंस प्रेजेंट कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट वीक आप बाइनरी सर्च के क्वेश्चन आप प्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इस सेशन से के हवाले से कैसी रही है 5 वीक तक? मैम मुझे तो बड़ा सीखने को मिला है। इसके अलावा लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो एल्गोरिदम बनाने की डिफरेंट टेक्निक्स जेन में अब आनी स्टार्ट हो गई हैं, और लिंक लिस्ट का, पहले बाकी डेटा टाइप्स का मुझे आइडिया था, लेकिन लिंक लिस्ट का और ट्रीज का मुझे बिल्कुल सीरियस आइडिया नहीं था, लेकिन अब वो भी मुझे समझ आ गई है। और इनके मैं क्वेश्चंस वर्क करके तो फिर मैं पता चल जाएगा अच्छे तरीके से।